दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हार्दिक पांड्या के एक ओवर ने बदल दिया पूरा मैच, बताता है आपको पूरी बात, तब तक वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों जब न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम के 334 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने सलाइन बल्लेबाज फिन एलन को इस तरीके से आउट किया, बाहर जाती हुई ये गेंद थी, फिन एलन अपने बल्ले का ऐसे बैठे और पीछे खड़े सूर्य कुमार यादव ने टाइम लगाकर शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते पहले ओवर में ब्रेक थ्रू दिलाई भारतीय टीम को हार्दिक पांड्या ने। लेकिन उसके बाद जब खतरनाक बल्लेबाज फिलिप आए तो उनको भी इस तरीके से बाहर जाती हुई गेंद रखी, ऐसा लग रहा था कि रिप्ले था वही गेंद का वही शॉट। दोस्तों इस तरीके से इस कैच को भी सूर्य ने पकड़ा और इसी के साथ दो ओवर में दो बड़े विकेट निकाल कर दे दिए भारतीय टीम को कप्तान हार्दिक पांड्या ने। लेकिन इतने से भी इनका दिल कहां भरने वाला था। दोस्तों जब टेल एंडरों की बारी आई तब हार्दिक पांड्या ने इस तरीके से फर्गुसन को फुल टॉस गेंद रखी और ये भी इस तरीके से कैच आउट हो गए, जिसके चलते इस मुकाबले हार्दिक पांड्या की तीसरी विकेट मिली। लेकिन इसी ओवर में एक और झटका देना बाकी था, टेल एंडर थिकनर को इस तरीके से फुल टॉस गेंद रखी, बल्ले गया जब बैठे हार्दिक पांड्या की गेंद पर थिकनर और ईशान किशन ने पीछे शानदार कैच लपक ली और चौथी विकेट मिली हार्दिक पांड्या को। चार ओवर डाले हार्दिक पांड्या ने 16 रन दिए और चार बड़े विकेट निकाले और भारतीय टीम को शानदार जीत मिली। दोस्तों अब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर